अनबॉक्सिंग करते हैं आईबेल की टॉर्च की, जिसका मॉडल है IBL FL8389। एक मेगा टॉर्च है जिसकी अगर वैल्यू की बात करूं मैं तो लगभग 2100 रुपये का आता है ये टॉर्च। और ये आईबेल एक जानी मानी कंपनी है एनस्लेट के बाद जो कि टॉर्च बनाती है। इसको अनबॉक्स करते हैं यहाँ से। पहले भी मैंने इसको खोल के देखा था वैसे तो, बट अभी फिर से अनबॉक्स करते हैं। और सबसे इस टॉर्च की एक अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसको यूज़ करो तो सबसे पहले इसकी गाइडलाइंस जो दी है कि इसको 10 आवर्स जो है वो फर्स्ट यूज से पहले मिनिमम 10 आवर्स इसको आप चार्ज करो। इसका चार्जिंग भी दे रखा है यहाँ पे, और इसके चार्जर में ही इसका इंडिकेटर भी है जो कि अगर ये फुल चार्ज हो जाता है तो ग्रीन जलता है और चार्जिंग के टाइम ये रेड जलता है। तो कोई खास ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का चार्जर तो नहीं है इसका, बट ये चार्जिंग का दे रखा है यहाँ पे। इसमें इंडिकेटर चार्जर में ही अवेलेबल है। अब मैं चार्ज बॉक्स की कंटेंट की मैं बात करूँ तो बॉक्स में हर जगह आईबेल की ब्रांडिंग है। और ये रहा इसका मेगा बैटरी जो कि 4000 mAh की है। इसकी वोल्टेज लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। और ये रिचार्जेबल बैटरी की मॉडल नंबर ये इधर है। और मैं इस टॉर्च की फिजिकल ओवरव्यू की मैं बात करूँ अगर तो 6 मंथ्स की वारंटी है जो कि कॉल करके हम सर्विस ले सकते हैं। और ये सर्विस सेंटर नियर बाय विजिट करने के लिए वो बोलते हैं, मल्टी ब्रांड होता है उनका। यहाँ वो ये वाटर रेजिस्टेंस भी है टॉर्च। और ये सामने की तरफ एक LED 0.5 वाट की इसकी LED है। और यहाँ हम इसकी पीछे से बैटरी इंसर्ट करते हैं। यहां से इंसर्ट किया, उसके बाद कैप लॉक किया। जैसा कि बॉक्स पे मेंशन भी है कि फर्स्ट यूज से पहले बहुत ज्यादा ओवरवेट लग रहा है, लगभग 1 kg के अप्रोक्स है जो कि वेबसाइट पे भी मेंशन है, उससे ज्यादा ही होगा। तो इसको हम पहले चार्ज करते हैं, उसके बाद हम इसकी बैटरी की टेस्टिंग और फोकस वगैरह मैं आपको आउटसाइड विजिबल करवाता हूँ। ये यहाँ पे एक रिबन दी हुई है ग्रिप के लिए और यहाँ पे चार्जिंग का स्लॉट भी है। फोकस हो गई शॉर्ट डिस्टेंस में जो कि काफ़ी डाया कवर कर रहा है। फोकस टेस्ट का जो भी डाया है वाइड एंगल में आप देखो। और यही इसकी दूरी हो गई लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि आपके मंदिर पे फोकस दिख रहा होगा इतना बड़ा है कि कितना बड़ा होगा आपको दिख रहा होगा हैंड्स में। ये सामने एक फोकस प्रोड्यूस कर रहा है लॉन्ग रेंज में, ये आप देख पा रहे होंगे। वो दिखाता हूँ इसका फोकस कैसा प्रोड्यूस करता है। ये काफी ज्यादा ब्राइट फोकस प्रोड्यूस कर रहा है ये खाली प्लॉट में। यही है इसकी क्वालिटी। बाकी मैं अपना फीडबैक इसको देता हूँ, आप कुछ दिन यूज़ करने के बाद बता पाऊँगा।